देख रहे हैं हरियाणा देख रहे हैं हरियाणा देख रहे हैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। क्यों दर्ज किया जा रहा है? क्योंकि अग्निपथ को लेकर लगातार देश में, पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है। पूरे देश में इस तरीके की जो आप देख सकते हैं, बनने जा रहे हैं जो वो लगातार इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते आगजनी भी हुई, लेकिन अब जो है लगातार सत्ता में बैठी सरकार जो है समझाने की कोशिश कर रही है छात्रों को। लगातार जो युवा हैं जो सेना में भर्ती होने जाने वाले हैं उनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। लगातार जो सेना के 3 प्रमुख हैं वो भी लगातार इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि 4 साल जो उनको जज्बा दिखाने का मौका दिया जा रहा है, वो मौका उन्हें नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सेना की भर्ती होती थी उसी तरीके से हम लोग सेना में भर्ती होंगे। इसके चलते हुए लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, और आज भी छात्रों ने यहाँ जंतर मंतर पर लगातार अग्निपथ को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया। और यहाँ पर उसी तरीके से जैसे कि पहले भी होता आया है, और छात्रों को घसीटते हुए पुलिस वाले और सारे जितने भी CRPF के जवान हैं वो घसीटते हुए लेकर गए। आप इससे भी पहले ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, इससे भी पहले हुआ है, यही सब होता आ रहा है। जहाँ पर भी अग्निपथ के लिए कॉल दी जाती है वो इसी तरीके से वहाँ पर पहले ही बैरिकेटिंग कर दी जाती है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ से वहाँ तक बैरिकेटिंग है। पुलिस की गाड़ी मौजूद रहती है हर वक्त। जब भी अग्निपथ को लेकर जब कोई प्रोटेस्ट होने वाला होता उससे पहले ही पुलिस और जवान अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है, लगातार विरोध कर रहा है, लगातार जो है युवा भी आक्रोश में है, और लगातार इसी तरीके से जो युवा है सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने जो सेना में भर्ती होने का जज्बा है वो 4 साल का नहीं चाहिए। उनका कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का
जो है सिक्योरिटी गार्ड बनकर नहीं रहना है, हमें अपने हमें जिस तरीके से जवान जो हम भर्ती होते थे सेना में, हमें वैसे ही भर्ती हो चाहिए, क्योंकि हमें ये 4 साल वाली भर्ती नहीं चाहिए। उनका सीधे सीधे यही विरोध प्रदर्शन है, सीधा सीधा यही विरोध कर रहे हैं वो कि हमें 4 साल वाली भर्ती नहीं चाहिए। लेकिन तब बैठी सरकार लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा जो हैं अपने आक्रोश में इतने हैं कि वो नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जज्बा है वो जो भी सेना में भर्ती होने का, वो उसको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो 4 साल के लिए वो जज्बा नहीं दिखाना चाहते हैं। लगातार उनकी मांगें यही हैं कि इस स्कीम को जो है वापस लिया जाए, सरकार इस स्कीम को वापस ले ले, लेकिन जो सरकार है वो भी अपने इरादों में अटल दिखती है कहीं ना कहीं, और बस इसी में संशोधन करती हुई नज़र आ रही है। कभी उम्र सीमा बढ़ा दी जा रही है, लेकिन पीछे हटती हुई सरकार भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो युवा हैं वो युवा यही चाहते हैं कि सेना की भर्ती को लगातार जो आप लोगों ने अडानी अंबानी को बेच दिया, ऐसा युवाओं का कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कि उनका कहना है कि आपने कॉर्पोरेट हाउस में जो सेना की भर्ती को भी बेच दिया है, सेना को बेच दिया है, ये सब ना करें, और हमें जो है सेना में भर्ती होने का जिस तरीके से पहले चांस मिलता था उसी तरीके से अब जो है वही चीज़ें वो चाहते हैं। इस स्कीम को वापस लेने के लिए उनका लगातार जो है विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसी को लेकर के लगातार आज भी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आज भी छात्र मौजूद थे और इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अग्निपथ को लेकर। अग्निवीरों ने जो है अब लगातार इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं कि उनको ये जो स्कीम है नहीं चाहिए, इस स्कीम को सरकार वापस ले, और लगातार विपक्ष भी यही कोशिश कर रहा है कि ये स्कीम सरकार वापस ले ले अपने अनचाहे ढंग से, जो कानून बना देती है रातों रात, ऐसे कानून लाकर पेश कर देती है जो ना ही युवाओं को भाते हैं ना ही किसी जनता को भाते हैं। और अब ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका था सेना का, लेकिन अब ये युवा बता सकते हैं, आपको देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से युवा बाकी
उतर रहे हैं, लगातार इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कभी आप देख सकते हैं कभी जंतर मंतर पर तो कभी संसद मार्ग पर, लगातार यहाँ पर ही इस तरीके से प्रदर्शन होता हुआ आप देख सकते हैं कैसे छात्रों को घसीट कर खींच कर बसों में भरा जा रहा है। इससे भी पहले आपने देखा किस तरीके से उनको बसों में ले जाया गया और किस तरीके से उनको लगातार जो है इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी ले जाया गया और छात्रों को इस तरीके के विरोध प्रदर्शन भी करने की जो है अनुमति नहीं मिल रही है। ज़्यादा देर के लिए उन्हें इस तरीके से अनुमति दी ही नहीं जा रही है कि अग्निपथ के लिए वो विरोध प्रदर्शन करें। इसी तरीके से आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।